शिवराज कैबिनेट के तीन मंत्री उपचुनाव में हार गए, लेकिन इस्तीफे में देरी ने सवाल खड़ा कर दिया है। तीन में से एकमात्र मंत्री एटली सिंह कांसाना ने स्वप्रेरणा में इस्तीफा दे दिया। इमरती सिंह की ओर से ये भी साफ नहीं किया जा रहा है कि वो इस्तीफा कब देंगे। ऐसे में एक अन्य मंत्री गिरिराज धनतोड़िया गुरु जरूर आज देर शाम तक इस्तीफे देने की बात कह चुके हैं। हालांकि रात 8 बजे तक वे भोपाल नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब इमरती देवी के इस्तीफे के बाद आइटम बताने वाले कमलनाथ ने इमरती देवी को कांग्रेस में आने की नसीहत दे डाली है। कमलनाथ ने कहा कि अब इमरती देवी को बीजेपी ने दरकिनार किया तो कांग्रेस में वो आ सकती है, हम ऐसा नहीं करते हैं। शिवराज कैबिनेट के तीन मंत्री उपचुनाव में हार गए, लेकिन इस्तीफे में देरी को लेकर अब लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात सिंह की ताजा टिप्पणी को इमरती देवी के इस्तीफे पर जारी चुप्पी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हारने के बाद कोई मंत्री नहीं रहता। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि कैबिनेट की मीटिंग होने तक हारे हुए मंत्री खुद ब खुद हट जाएंगे, लेकिन इमरती देवी बयान दे चुकी है कि वो हारी नहीं है, सरकार हमारी है, जो जीत गए वो एक हैंडपंप भी नहीं लगवा पाएंगे। संविधान कहता है कि कोई भी गैर विधायक व्यक्ति अधिनियम 6 महीने तक पद पर रह सकता है। यदि वो नवनिर्वाचित नहीं होता है तो उसका स्वतः समाप्त हो जाता है। वही 2 जुलाई को इमरती देवी ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से यदि इस्तीफा नहीं देती हैं तो भी 2 जनवरी तक पद पे बनी रह सकती हैं। ऐसे में इस्तीफा देने पर उन्हें नगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। दरअसल भाजपा के संगठन में इमरती देवी को जवाबदारी मिलना मुश्किल है। वजह है कि संगठनात्मक रूप से भाजपा की व्यवस्था कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। यहां पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाकर कुछ भी बयानबाजी पर सख्त मनाही है। बता दें कि 28 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। जिन 9 सीटों पर हार हुई उनमें से 3 शिवराज सरकार के मंत्रियों की थी। इनमें से 2 इमरती देवी और गिरिराज सिंह धनतोड़िया ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं। अब इन दोनों को एडजस्ट करने का दबाव भी सरकार पर लगातार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।